हेलो गाइस, वेलकम टू देसी रसोई व्लॉग। तो आज हमारी देसी रसोई में ना कुछ टेस्टी सा बनने वाला है। कढ़ी चावल और पकौड़ी भी बन रही है। पकौड़ी के लिए मम्मी ने इधर खोल दिया और मेरे को तो आलू की पकौड़ी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है। राम राम जी। तो दिखाते हैं आपको कढ़ी चावल। तो चावल तो हमारे बन चुके हैं, बस कढ़ी रहती है। तो गाइस, मम्मी अभी बना रही है कढ़ी। तो मम्मी ने ना सारा काम करके रख लिया, इधर मसाले भी घोल के रख लिए, बेसन भी घोल के रख लिया। मैं नीचे थी तो मेरे ना सिम में कुछ दिक्कत आ रही है, तो सिम ऑन नहीं हो रही मेरी, इसलिए मैं नीचे थी और मम्मी ने इतने सारा काम कर लिया। तो मम्मी बना रही है अभी पकौड़े। चावल बन गए? अच्छा, चावल भी बन गए, मतलब सारा काम ही हो गया। तो इधर ना मम्मी ने आलू भी काटे गोल गोल पकौड़ी के लिए। तो मम्मी आलू की भी पकौड़ी बनाएंगे और वो बनाई है कढ़ी के लिए। कढ़ी में तो सिंपल वाली पकौड़ी डालेंगे, आलू की पकौड़ी हमारे खाने के लिए। तो ये बन रही है हमारी पकौड़ियाँ। तो गाइस, कमेंट में बताना कि ना आप में से किस किस को ना पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, आलू की पकौड़ी। मेरे को तो बहुत पसंद है, आप लोग बताना आपको पसंद है या नहीं। तो इधर कढ़ी के लिए मम्मी ने छाछ में बेसन घोल दिया है। हमारी पकौड़ियाँ भी बन गई हैं। हाय हाय, मजा आई आप। तो इधर लिया मैंने तेज पत्ता और मिर्ची, क्योंकि अब कढ़ी छोंकते हैं। और मेथी दाना, हींग, जीरा, उई। तो गाइस, चटक गई मिर्च कितनी तेज, पर लेकिन महक बहुत अच्छी आ रही है। मुझे हींग की महक तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। इधर हमारी कढ़ी बन रही है, देखना में कितनी टेस्टी लग रही है। तो उसमें खदका आएगा तो ये तो पूरी गिर जाएगी। तो इसमें नमक डालना भूल गई थी मम्मी, अब डाल। और अच्छा, पानी डाल दिया। गाइज, हमारी कढ़ी तो अच्छी तरीके से खदक चुकी है, अभी थोड़ी इसमें मलाई पड़ने तक और इसको बनाएंगे। पड़ चुकी है मलाई, पर लाल ना पड़े ना, अभी लाल हल्दी बेकार आ रही है। लाल हल्दी होती ना सही बार, आजकल मूल की हल्दी पीसी गई तो सही आने। तो पकौड़ी तो डाल दी है, अभी बस बन गई। मम्मी ने इधर आटा गूंद के रख दिया है, रोटी भी बनाएंगे। तो इधर चावल भी मम्मी निकाल के रख रही है। तो गाइस, हमारी कढ़ी भी हो गई है रेडी बिल्कुल।
देखो कितनी अच्छी मलाई पड़ी है इस पे। मम्मी अभी इसमें धनिया डाल रही है।